Hello friends, how are you all? Hope you will be fine. My today video topic is about diet for runners after and before running. एक सवाल हमेशा ही बना रहता है कि दौड़ने से पहले क्या खाएं और दौड़ने के बाद क्या खाएं। दौड़ने से पहले खाना इसलिए जरूरी है कि दौड़ के लिए पर्याप्त एनर्जी मिल जाए और दौड़ के बाद भी खाना जरूरी है ताकि खोई हुई ताकत वापस हासिल की जा सके। दौड़ से पहले और दौड़ के बाद में जो हम खाना खाएं वो पौष्टिक हो, ये बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम और आप आज के इस वीडियो में बात करते हैं दौड़ से पहले और दौड़ के बाद खाए जाने वाले फूड्स के बारे में। दौड़ना शुरू करने से एक घंटा पहले प्रोटीन युक्त फूड्स लेवे। प्रोटीन की खासियत होती है कि ये लंबे समय तक हमारे शरीर को भरपूर ताकत देते रहते हैं। प्रोटीन से मसल्स को भी मजबूती मिलती है जिससे हमारा शरीर थकता नहीं और लंबी दूरी तक दौड़ पाता है। वैसे भी हमें दौड़ते समय काफी ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए दूध, दही, दालें, सोयाबीन इत्यादि प्रोटीन युक्त फूड्स दौड़ से पहले एकदम सही डाइट है। जब आपकी रेसिंग या रनिंग खत्म हो जाए तब आप प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स लेवे। कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है और प्रोटीन हमारी मसल्स रिकवरी का काम करता है। टूटे हुए मसल्स की मरम्मत प्रोटीन ही करता है, इससे दौड़ने से हुई थकावट दूर होती है, साथ ही हमारा शरीर अगली प्रैक्टिस अथवा दौड़ के लिए फिर से रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, दौड़ से पहले और बाद में अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें और अपनी डाइट में प्रोटीन और कार्ब्स अवश्य शामिल करें। नाउ ओके फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।